राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड के दौरे के बाद अब बीजेपी संगठन और तेजी से जन जन तक पहुंचने के साथ केंद्रीय और राज्य की योजनाओं को जनता तक लेकर जाएगा। पार्टी आगामी 3 महीने का भी बड़ा कार्यक्रम तैयार करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की न्यूज वन इंडिया के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने। रायवाला के गॉडविन होटल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कोर कमेटी, जो कोर ग्रुप है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी बैठक संपन्न हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या डिस्कशन हुआ नड्डा जी के साथ? आगामी समय में लोकसभा चुनाव एक बड़ा टास्क है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज का दौरा उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही एक प्रकार से मैं कहूँगा लाभप्रद रहा है। उनके द्वारा जो जो विषय रखे गए हैं, वो उत्तराखंड राज्य के जहाँ विकास का विषय है, वहीं साथ साथ कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम भविष्य में लिया जाए, सबकी चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव के साथ साथ हमारे यहाँ बागेश्वर का उपचुनाव है, बागेश्वर उपचुनाव का फीडबैक हमने उनके आगे रखा है, और नगर पालिका नगर निगम के चुनाव के विषय को लेकर भी हमने बताया कि अभी तक हमारी उसमें कितनी तैयारी, सारे विषय चर्चा होने के बाद कुछ उन्होंने सुझाव दिए, उन सुझावों को भविष्य में इम्प्लीमेंट करेंगे। लोकसभा चुनाव में की दृष्टि से सांसदों के प्रवास, मंत्रिमंडल का प्रवास, भविष्य के अंदर भिन्न भिन्न जो समाज के वर्ग हैं उनके बीच में कैसे हम कार्यक्रम का स्वरूप दे सकते हैं, सब पर आज की बड़ी चर्चा हुई है। और लगातार 3 महीने का कार्यक्रम चुनाव की दृष्टि से बने, ये उनका निर्देश था जिसका हम लोग अक्षर से पालन करेंगे। केंद्र की कई योजनाएं राज्य को मिली, इसको जनता तक ले जाना है, और इसके अलावा क्या टिप्स थे जेपी नड्डा जी के? देखिए, मुख्य रूप से केंद्र की योजना को लाभ सांसदों को, विधायकों को मिले, इस पर उनका सार्वजनिक संदेश था कि उसके लिए स्वायत्त रूप से जिसको लाभ पहुंच रहा है क्या उससे हमारा संपर्क है कि नहीं है, उनसे संपर्क बनाकर उसके मन में भाव आए कि जो योजनाएं जो मिल रही हैं, ये भारत सरकार मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी सरकार के कारण मिल रही है। इस विषय से नाते भी है कि स्वायत्त रूप से अभी तक सरकार की योजनाओं का जितना प्रत्येक पॉलिटिकल लाभ मिलना चाहिए उसे लेने में हम कामयाब हों, ये भाव की दृष्टि से नड्डा जी ने हम सबको मार्गदर्शन किया है। और इसीलिए हमने तय किया कि चाहे 33,000 जो प्रधानमंत्री आवास आ रहे हैं किन व्यक्तियों को मिल रहे हैं, उस व्यक्ति तक प्रत्यक्ष रूप से कार्यकर्ता मिलकर और उसके मन में भाव पैदा करेंगे, जो तुमको आज तक नहीं मिला वो मोदी जी की सरकार मिल रहा है, इस विषय को लेकर हम भविष्य में काम करेंगे। अभी क्योंकि उत्तराखंड में आपदा बड़ी मात्रा में आई है, आपदा के बीच में भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया किस प्रकार से व्यक्ति को क्या लाभ पहुँचा सकते हैं, कम से कम वो जीवन यापन में उसको कष्ट ना हो, इन सारे विषयों में आपको मार्गदर्शन को प्राप्त हुआ है। तो अध्यक्ष जी, क्या माने जाए आने वाले समय में पहाड़ में, जिलों में, तहसीलों में मंत्रियों के दौरे बढ़ने वाले हैं, विधायकों के, पूर्व विधायकों के दौरे बढ़ने वाले हैं, संगठन के लोग और तेजी से प्रचार में, प्रसार में, जनसंपर्क में जुटने वाले हैं? देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता हमारा प्रत्येक दिन कार्यक्रमों से जुड़ा है, लेकिन क्योंकि जब चुनाव वर्ष होता है तो चुनाव वर्ष में इस कार्यक्रम की श्रृंखला को हम बढ़ाते हैं। तो आगामी दिनों में विधायकों के प्रवास बहुत व्यापक रूप से, उनसे पर डे किस दिन किस बूथ पर हो गए हैं, जो हमारे बूथ हारे हुए बूथ हैं, 23 विधानसभाओं के जो हारे हुए बूथ हैं, उन बूथों पर हम प्रत्यक्ष रूप से कार्यकर्ता लगाने वाले हैं, क्योंकि किस कारण हारे हैं उसकी भी जानकारी आनी थी और कैसे जीत सकते हैं उसकी भी एक प्रकार से प्लानिंग बन सके, इस दोनों भावों को लेकर भविष्य कार्यक्रम लोग तय करने वाले हैं। अध्यक्ष जी, कार्यकर्ताओं से पदाधिकारियों की आप जिम्मेदारी तो लगा रहे हैं, उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं, परंतु उनका दायित्वों का इंतजार आखिर क्यों नहीं पूरा कर पा रहे? ये तत्काल होगा कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी नड्डा जी से मिलने वाले हैं और उस पर मार्गदर्शन जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा, सरकार से हम आगे बढ़ेगी। क्या अलग से मिलेंगे, आज ही बातचीत हो रही है? अभी बातचीत हो रही है, सब मुख्यमंत्री से अलग बात हो रही है, मुझसे अलग से वार्ता करने वाले हैं, इसके साथ साथ और प्रमुख जो हमारे सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, उनके अलग से कुछ लोगों से अगर बातचीत उनका तय है, उनसे उनकी बात हम कराएंगे। अध्यक्ष जी, क्या कैबिनेट में जो सेवा जो विस्तार होना है, क्योंकि 4 पद रिक्त हैं, क्या लोकसभा चुनाव से पहले इसको भी फुलफिल करेंगे, थोड़ा धामी जी का भी काम कम हो जाए, थोड़ा लोगों को भी मौका मिल जाए? देखिए, मुख्यमंत्री का विवेकाधीन विषय है और नेतृत्व तो जो भी उनको निर्देशित करेगा उसके आधार पर चीजें आगे बढ़ेंगी। तो आपसे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिन्होंने दो टूक कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दो टूक कहा है कि आपदा पीड़ितों की मदद हो, केंद्र की जो योजनाएं हैं उसका लाभ आम आदमी को मिले और उस व्यक्ति तक हम पहुंचे और उसको ये बताने का भी प्रयास करें कि ये योजना केवल केंद्र सरकार के कारण उन्हें मिली है, इससे पूर्व नहीं मिली है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, रायवाला।